सबसे पहले बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी को खिराजे अकीदत पेश करते हुए, बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हुए आज के इस 11वें पुण्य दिवस के मुख्य अतिथि मान्य श्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे छोटे भाई मान्य श्री शमसुद्दीन राय जी, मान्य श्री सुरेश कश्यप जी विधानसभा सदस्य विधान परिषद, मान्य डॉक्टर प्रदोषम जी, मान्य श्री सुनील भारती जी जोन इंचार्ज, मान्य श्री लाल मोहनलाल बोबी जी, मान्य हमारे पूर्व विधायक जुझारू नेता योगेश वर्मा जी, महिपाल माजरा जी, मान्य श्री नरेश गौतम जी, दयाराम सेन जी और पूर्व में बहुत सारे पदों पर देख रहे मेरे बड़े भाई हाजी सिविल साहब, अजीत पाल जी, दारा सिंह जी, सुनील जाटव जी, कृष्ण इंदौरिया जी, श्री मनी गौतम जी और दादरी के प्रत्याशी भाटी जी, और आपके सामने हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बैठे, पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, हाजी याकूब जी, इमरान कुरैशी जी, कुंवर दिलशाद अली जी और सभी मंच पर बैठे मेरे नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आपके बीच में बड़ी विस्तार से सारी बात पूर्व वक्ताओं ने रखी। 2 मिनट का समय मिला है, इस 2 मिनट के समय में मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। माननीय कांशीराम साहब, माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर चले, अगर ये मिशन ये ना होता, ये प्लेटफार्म ना होता, तो आज देश के गरीब मजदूर को बोलने का अधिकार ना होता। आज ये मिशन दिया है बाबा साहब इस कामरे को लेके चले, माननीय कांशीराम साहब ने इस मिशन को बढ़ाने के साथ साथ बहन जी को साथ लिया, और बहन और नेता जिसने अपना परिवार ना बसाया, अपनी शादी ना करी, और इस गरीब मजदूर के देश के युवाओं के लिए, देश के गरीब मजदूर के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से है, गरीब की, किसान की, मजदूर की कोई बरादरी नहीं होती है, प्लेटफार्म मकान तैयार करके दिया। इस मकान को रखाने का काम, इस मकान को बनाने का काम, इस मकान को बढ़ाने का काम, ये आप हम सबकी जिम्मेदारी होती है। आज इस मंच से चाहे कोई कितने ही गरीब या कितने ही मालदार हो, उसे बोलने की ताकत मिलती है, अपने अल्पाजों को बताने की, रहने की ताकत मिलती है। ऐसे माननीय कांशीराम साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर आज हम पूरे मंडल से जो इकट्ठे हुए हैं, माननीय हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं, तो मेरे नौजवान साथियों, ये तो सारी बात आपके बीच में वो बताएंगे, पर 2 मिनट के अंदर एक बात धर देना चाहता हूं। चूंकि पार्टी से पूरे पश्चिम के अंदर आपका भाई, आपका लाल, आपका बेटा अकेला विधायक है, जब वहां सदन चलता है, आपने देखा होगा जैसे बहन कुमारी मायावती को राज्यसभा में नहीं बोलने दिया, ऐसे ही आज के इस सरकार के विधायक और मंत्रीगण विधानसभा के अंदर लखनऊ में भी बोलने में दिक्कतदारी करते हैं। आपने देखा होगा पिछले सत्र में 8 दिन पहले पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया था, ये यहां की सरकार है। और आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि इस 6 महीने सरकार बने होंगे, इस योगी जी की सरकार को 6 महीने बने होंगे, 6 महीने के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, आज तक आपने सुना ना होगा, देखा ना होगा, अभी तक 6 महीने के अंदर प्रदेश की सरकार ने किसी भी विधायक मंत्री के कोटे से एक भी पैसा विकास में लगने का काम नहीं हुआ है।
ऐसी जनता, हमारे देश की जनता के हक को खाने वाले ये योगी बाबा, ये ढोगी बाबा सरकार जो चलाते हैं, जो चला रहे हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर 6 महीने सरकार बने हो गए हो और एक भी निधि विधायक कोई भी पैसा ना लगा पाया हो, एक भी काम ना करा पाया हो, तो वो सरकार क्या चलेगी, वो परिवार क्या चलाएंगे, चूंकि उनके परिवार खुद ही नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव में आज आपको सच्ची परिणय देनी है। माननीय काशीराम साहब की 14,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का, अगर आप आपको उनको सच्चा सदन देना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हाथी के निशान के सामने का इतना बड़ा दबाव कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनके बीजेपी वालों के हाथ एक चीज ना आए। आप देख रहे होंगे इस सरकार के दिल आपके बीच में है, अरे इनके विधायक ढोंग करते हैं, अरे इनके मंत्री ढोंग करते हैं, आप देख रहे होंगे फर्जी। अभी आप मेरे पूर्व में कहा था एक गुजर समाज के हमारे भाई को, अरे फर्जी एनकाउंटर में मार डाला। कितने एनकाउंटर, एनकाउंटर करने से पेट नहीं भरेगा। केंद्र ने कोई योजना नहीं दी, जीएसटी लगा के मार डाले, नोटबंदी लगा के मार डाले। अरे इंसान और किसान, मैं आपके बीच में एक बात और बता देता हूं, माननीय मोदी जी, इस देश को रखाने का बॉर्डर पे काम अगर कोई करता है तो किसान मजदूर का बेटा करता है। इस देश की जनता को रोटी देने का कोई काम करता है तो किसान मजदूर का बेटा काम करता है। जमीन का सीना चीर कर किसान मजदूर का बेटा रोजी रोटी पालने का काम करता है। अरे अडानी मन नहीं करते तो मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस देश के चलाने वालों, इस प्रदेश के चलाने वालों, इस जनता से जो धोखा किया है, जो झूठ बोला है, ये कहा कि कौन बोला, अरे ये बोला, अरे वो बोला, उल्टे हाथ की ताली बजाने से जनता का पेट नहीं भरेगा। उल्टे हाथ की ताली बजाने से जनता का पेट नहीं मरेगा। जनताओं को, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जिस देश के युवाओं ने मोदी ने तख्त पे बिठा है, इंशाल्लाह आने वाले 2019 में वही युवा मोदी मोदी कहने ये कह देंगे कि मोदी तेरे पे जूता बरसेगा। भाग 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 भाग। मेरे नौजवान साथियों, इस देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, इस देश के युवाओं के जो साथ धोखा हो रहा है, आपको उसका दिवस पर आपको कसम खानी है। मेरे अल्लाह, अगर आपकी नौकरी तलाश करनी है तो बहन कुमारी मायावती को याद करो, उस सरकार को याद करो जिस सरकार के अंदर ईमानदारी से नौकरियां भर्ती हुई थी। जहां कहते हुए चूंकि बहुत बोल गया, बहुत टाइम ले लिया, मैं अपने बड़े नेताओं से माफी चाहते हुए, अपनी जनता से माफी चाहते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज इस मान्य हस्ती का अगर 12-15 दिवस है तो आपको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पारसी हो, कोई भी हो, चूंकि ये प्लेटफॉर्म इंसानियत का, किसान का, मजदूर का प्लेटफॉर्म है। तो मेरे नौजवान साथियों, आने वाले निगम निकाय चुनाव की तैयारी में लग जाओ। मान्य संसदीय भाई मेरे छोटे भाई में प्रभारी है, इनके दिशा निर्देश पर जो भी हिंदी बताए उस पर काम करने लग जाओ। अब ध्यान नहीं है इनको भागने के लिए। मेरी बात आज की इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, याद कर लेना, 2019 के अंदर अगर ये बीजेपी आपको अपनी तो मुझे पकड़ लेना, उसके बाद में आकर आपके बीच में मन से बात करूंगा इंशाल्लाह। चूंकि जिसने जनता के साथ, किसान मजदूर के साथ धोखा किया, वो कभी इंशाल्लाह ने माफ किया। मेरे नौजवान साथियों, ज्यादा ना कहते हुए, जय हाफिज, जय भीम, जय भारत।